अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़रनक सिदवा। ईद का मौका है, आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आई होप यू आर फ्री फ्रॉम कुर्बानी वगैरह, काम आपका हो गया है सारा, आराम से बैठ के आपने अब देखना है मेरा शो और बनानी है ये सारी रेसिपीज़। आज हम हायर का बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन यूज़ करते हुए बहुत ही आसान सा ब्रेड पुडिंग बनाएंगे जिसमें हम केले डालेंगे। ये असेंबल करके आप रख सकते हैं, अचानक मेहमान आ जाएं स्पेशली ऑन ईद, तो आप इसको माइक्रोवेव में रख दीजिए और बना लीजिए, झटपट रेडी हो जाएगा। और हम चूँकि बड़ी ईद है तो हम हमेशा कोई गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज हम एक स्पाइसी मटन करी बनाएंगे। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। नाउ ब्रेड पुडिंग इज़ ऑलवेज़ वेरी सिंपल। अंडे होते हैं, उसमें दूध होता है, ठीक है, और कोई भी फ्रूट अगर आपको डालनी है तो केले हैं, यहाँ ब्राउन शुगर है, दालचीनी का पाउडर है और कॉर्नफ्लावर है इसको थिकन करने के लिए। सो मैं एक बोल ले लेती हूँ। इसमें हम 2 अदद अंडे डाल देते हैं, इसको व्हिस्क कर लीजिए। इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे, दूध जाएगा, थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ रखा है क्योंकि मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर डालना चाह रही हूँ जिससे ये थिकन होगा। ठीक है, हमेशा कॉर्नफ्लावर को दूध के साथ एक अलग बर्तन में मिक्स करते हैं, कॉर्नफ्लावर को कभी भी डायरेक्टली नहीं डालते हैं। दालचीनी का पाउडर है, सिनेमन पाउडर, ये जाएगा। ब्राउन शुगर, दालचीनी का पाउडर, दूध और अब दूध और ये एक तरफ रख लेते हैं। केले हैं यहाँ और ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ब्रेड पुडिंग में हमेशा ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं। थोड़ा सा आप इसमें मक्खन लगा लीजिए। मैं हमेशा ब्रेड एंड बटर पुडिंग बनाती हूँ, बटर से इस पुडिंग में बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, आप करके देखिएगा ट्राई। ठीक है, अब आप इसको ट्रायंगल्स में काट लीजिए। आई यूज़ अ शार्पर नाइफ। जिस भी डिश में आप उसको बना रहे हैं ना, उस डिश को अपने पास रख लीजिए और ये जो बटर्ड ब्रेड है उसको आप उस डिश में रखते जाइए। लीजिए इस तरह। पूरा आप भर दीजिए। अब आप केला लीजिए, केले के स्लाइसेस को इस तरह आप डाल दीजिए। और ये जो पूरा लिक्विड मैंने मिक्स किया था, दूध, अंडे वगैरह, वो सब कुछ जाएगा ऑन टॉप। ब्रेड पुडिंग का एक सीक्रेट है कि आपको उसको सोक करके रखना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर आपने उसको अच्छी तरह सोक करके रखा, फिर बेक किया या इवन हायर के माइक्रोवेव में बनाया तो बहुत ही अच्छा बनता है, बेहतरीन बनता है। ठीक है, सो ट्राई एंड सोक योर ब्रेड पुडिंग फॉर अ वाइल। हर जगह अच्छी तरह बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा ताकि सब लोगों को बाइट्स में आए। ये एक ऐसी डिश है जो आप बना के रख सकते हैं। पीचेस हो सीज़न में, वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं हो कुछ तो किशमिश बादाम डाल दीजिएगा। सही है, ठीक है, ये हो गया। नाउ अच्छी तरह मिक्स कीजिए इसको और इसको इसके ऊपर डाल दीजिए। ये करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह सोक करिए। ब्रेड बिल्कुल सूखा नहीं रहे, कहीं ऐसे हो तो आप लिक्विड को ऊपर ला के डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध और। ठीक है, देखें, ब्रेड शुड बी सोक्ड। अब जो थोड़ी सी ब्राउन चीनी मैंने रखी है यहाँ, वो हम लेंगे और इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। ब्राउन शुगर है ये। केले भी कैरमलाइज हो जाएंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसको, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, सोक कर दीजिएगा। ठीक है, P100 मैंने रखा है। ठीक है, फिर अब आपने इसमें टाइमर रखना है। सो लेट्स कीप इट टू 2 minutes and 30 seconds एंड स्टार्ट। ठीक है, अंडे कुक होंगे, फिर मैं हाफ द टाइम में निकाल के चेक कर लूँगी और फिर दोबारा हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। बेसिकली एग का जो कस्टर्ड है दूध के साथ, वो यकजान हो जाए और पक जाए। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद का ये स्पेशल शो ऑफ हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक, ईद मुबारक एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से। अब लेट्स कम टू आवर स्पाइसी मटन करी। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ तेल डालेंगे एक पैन में। प्याज है और टमाटर है, इसको हम पहले पका लेंगे। ठीक है, टाइम कम होता है तो मैं गोश्त बॉईल करके लाई हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसको निकाल के प्याज और टमाटर को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और तेल लेंगे और इसमें ये सारे मसाले जो मेरे पास हैं वो डालेंगे। मटन डालेंगे, मैं मटन से कर रही हूँ, बीफ से भी कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला है, सौंफ है, कड़ी पत्ते हैं एंड लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर। ठीक है जी, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम मीट को पकाएंगे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस, ये आपको बताती चलूँ कि हमारा कस्टर्ड आधा हो गया था सेट। ठीक है, बन गया था। मैंने 2.5 मिनट रखा था, अब दोबारा मैंने इसको 2.5 मिनट और रखा हुआ है। सो सेव अबाउट 5 मिनट्स, लेकिन इंटरवल देके आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि हो गया है कि नहीं। मैं इसको इस वाले चूल्हे पे कर दूँ। हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट एंड सेफ हॉब, हायर की तरफ से जो है हमारे शो पे। और बहुत ही आराम से मैंने इतने सारे चीज़ें इसमें पकाई हैं। अब देखें, 3 बर्नर्स इन अ रो है और ब्रास के बर्नर्स हैं, बहुत आराम से आप स्टेम्पर्ड ग्लास को साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि ये स्मार्ट इसलिए है, सेफ़ इसलिए है कि अगर आप इसमें पानी रख दें, दूध रख दें, भूल जाएं तो ये बह जाता है, ऊपर से ओवर स्पिल हो जाता है। आम चूल्हों में क्या होता है कि गैस की सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहती है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर किचन। अब इसमें ये है एक फैसिलिटी, एक एडेड फीचर कि ऐसे अगर होता है ना तो गैस ऑटोमेटिकली सप्लाई उसका कट ऑफ हो जाता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपका किचन बच जाता है, आपके लिए भी इट्स नॉट सो डेंजरस। तो घर अगर आप लाना चाह रहे हैं कोई भी अप्लायंसेस तो हायर इज़ द नेम। प्याज को और टमाटरों को आपको पकाना है पहले। बस दिस इज़ डन। मैं इसको निकाल के वहाँ जाली पे रख दूँगी। बेसिकली एग का कस्टर्ड जो था दूध के साथ वो हमें पकाना था। ब्रेड पूरी सॉफ्ट हो गई है, अंदर सोक हो गई थी। टमाटर दो, प्याज दो और पका लीजिए इसको, ठीक है। मैं ज़रा इसके ऊपर ढक्कन ढाँक दूँ ताकि जल्दी से हो जाए और फिर वी ब्लेंड इट। फिर इसी पैन में हम तेल गरम करेंगे और मज़ीद थोड़ा सा, और गोश्त को अदरक लहसुन के साथ, साबुत गरम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और चूँकि मैंने बॉईल कर दिया, इट विल टेक नो टाइम। अगर आपको भी इसी तरह बॉईल करके पैकेट्स बना के रख देने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव लेस टाइम। कड़ी की स्मूथनेस के लिए मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज और टमाटरों को पीस लूँगी। मैंने अभी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। ईद के मौके पे लेस फॉर्चुनेट अमंगस्ट अस जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। गोश्त हॉर्ड नहीं करिएगा अपने फ्रीजर्स में, ठीक है, बांट दीजिएगा। अब आप ज़रा इसको ठंडा होने के लिए इसको टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा पानी, और आप इसे ब्लेंड कर दीजिए। अब इसी पैन में हम और थोड़ा सा तेल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और साबुत गरम मसाला, मिक्स्ड साबुत गरम मसाला है ये। इसमें थोड़ी सी सौंफ भी जाएगी, फेनल सीड्स, ठीक है। ये कड़ी पत्ते हैं, अदरक लहसुन, सौंफ, साबुत गरम मसाला और कड़ी पत्ते अच्छी तरह भूनिए। फिर इसमें आप गोश्त डालिए। अच्छी तरह गोश्त को इसके साथ भून लीजिए पहले। फिर इसका जो इसकी जो सूप है वो डालिएगा, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर। फिर वो ग्रेवी प्याज और टमाटर वाली, इसी में थोड़ा सा पानी या यही इसी का सूप डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह आप पकने दीजिए, चावल के साथ आप सर्व करिए। ठीक है, नमक मैंने नहीं डाला था, सो आई ऐड सॉल्ट। और ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने प्याज लिया और टमाटर लिया, अच्छी तरह उसको सौटे कर दिया तेल में, फिर उसको पीस लिया थोड़े से पानी के साथ एक ब्लेंडर में डाल के। फिर उसी पैन में मैंने और मज़ीद थोड़ा सा तेल गरम किया, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साबुत गरम मसाला डाला, सौंफ, कड़ी पत्ते, और फिर मैं यहाँ ये वाले चूल्हे पे इसको रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। और हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। स्पाइसी मटन कड़ी इज़ ऑल्सो डन, ये देखें। ठीक है जी, ये भी हो गई है रेसिपी। अब बस मैं इसको डिश में निकालती हूँ, ज़रा हरा धनिया डाल के उसको गार्निश कर देती हूँ, एंड आप इसको फिर सर्व कर सकते हैं विथ राइस या इवन विथ रोटी पराठा। अच्छा जी, हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन में मैंने जो ब्रेड एंड बटर पुडिंग आज बनाया था विथ बनानास, वो देखिए ऊपर से ब्राउन शुगर डालने की वजह से वो अच्छी तरह कैरमलाइज भी हुआ है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। केले, डबल रोटी, अंडे सबके घर में होता है, झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। चलिए जी, मैं इसको डिश में निकालती हूँ, आप लोग जाइए रेसिपी रिकैप देखिए। बनाना ब्रेड पुडिंग। अच्छा, ब्रेड 4 स्लाइस, मक्खन 50 ग्राम, केला 1 अदद, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर 85 ग्राम, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 चुटकी, दूध 450 मिलीलीटर, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को सेंक लें, ओवन पर मक्खन लगाएं और केला रखें, फिर एक जग में अंडे, चीनी, दालचीनी और दूध फेंट लें। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर और थोड़ा दूध मिक्स करें और ब्रेड स्लाइस के ऊपर डाल के 8 से 10 मिनट माइक्रोवेव करके सर्व कर दें। स्पाइसी मटन करी। अच्छा, बकरे का गोश्त 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, चंद पत्ते। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज सौते करें, अब इसमें टमाटर डाल के फ्राई कर लें। अब इसे पैन से निकाल के ठंडा करें और पीस कर पेस्ट बना लें। फिर मज़ीद तेल गरम करके इसमें पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बकरे का गोश्त डाल के मिक्स करें। अब इसमें मसाले और पानी डालकर पकाएं। एक पैन में गर्म करके इसमें लौंग, दालचीनी, तेज पत्ते, सौंफ और कड़ी पत्ते डालकर भूनें और ग्रेवी में शामिल करें। फिर करी को कुछ देर उबालने के बाद हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। जी, तो आई होप आपने यकीनन दोनों रेसिपीज़ नोट कर दी होंगी। आप बनाएंगे ईद के मौके पे ये स्पाइसी मटन कड़ी, मैंने बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जो पुडिंग है, ब्रेड एंड बटर पुडिंग बनानास के साथ, ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन में मैंने इसको बनाया था। आप देखें कितनी जल्दी, 2.5 मिनट एक दफ़ा और फिर 2.5 मिनट दोबारा, सो 5-6 मिनट में आराम से एक पुडिंग बन जाता है। ठीक है, एग का जो कस्टर्ड है उसी को हमें सेट करना था। सो ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। हैव अ नाइस ईद, अच्छे अच्छे खाने बनाइएगा। हमारी सारी रेसिपीज़ में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड लेस फॉर्चुनेट अमंगस्ट अस, जो सोसाइटी में लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गोश्त वगैरह, उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।